चांदनी आई रे। वही रुको, कहो आप डर कर रहे हैं? मुझे पता है तुम मुझे मारने आ रही हो। वही रुको, अरे पागल हो गया? वही रुको, मैं बोल रहा हूँ वही रुको। हम तो मारेंगे आपको, उल्टा जो आपको मारेगा ना हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। इससे क्या डर रहे? इधर हम हमारे सामने वाले कमरे में मिला था, हम यही पूछने आए थे। आपका तो ना ही है। कैसे अनजानों की तरह बात कर रही है, जैसे जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो कि कल क्या हुआ। नहीं मेरा नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा वो सब छोड़िए, हमारी पढ़ाई का वक्त हो गया है, पर एक दिक्कत है, हमारी किताबें ना ही मिल रही है। मतलब तुम्हें नहीं पता तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? अगर पता होता तो लेके आते ना। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कल बीरा ने क्या किया? का? वो बीरा ने फिर से कुछ किया क्या? आपको तो कुछ नहीं किया ना? रुकिए, अभी था कैसे ना उसकी टांगे तोड़ के आते। ए हीरोइन, टांगे तोड़ के आते? कुछ नहीं करोगी तुम? जो करूंगा मैं करूंगा। इसे कल का कुछ भी नहीं पता, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ खोए? कोनो परेशानी की बात है तो बताइए ना। परेशानी तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। ये दुलारी, ये देख कैसी लग रही साड़ी, बता। बोल, तू क्या करेगा इसका? वो काहे ना दुलारी, कल आज जो उसके बाद हम सोच रहे हैं, तीखी मेरा जो निंदनी है तोरी भाव बना दे, वो भी आज। सपने पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो। देख तेरी बहू आ गई। देखो तुम जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमने कुछ किया था ना हम पर, तभी हम तुम्हारे साथ तू कमरे में गए थे, अंग्रेजी हीरो ने सब बताया हमें। सीधे सीधे बताओ क्या किया था तुमने? हम बताया ना तो क्या किया था? ये क्या कर रहे हो तुम? पगला गए हो क्या? तुझे अपने काबू में ये पकड़। अब आराम से नीचे जाके जो हम कहेंगे ना वही करियो। दादी कामी चाची तो आप पूरी ही पागल हो गई। ए बड़े बाबा, हमारी बहू तो चली गई यहाँ से, कामिनी हमारी बहू का। कमिया तेरे पैर हाथ लगाते हैं तू का। कमिया रामलीला का एक जोड़ा पहन के ये क्या सजावट करके घूम रही? अरे ये सजावट नहीं समाधान है, ये इस बात का सबूत है कि अब मुझ पे किसी भी आत्मा या साया का प्रकोप नहीं है। ये देखिए भगवान की माला, तिलक, अगर मुझ पे साया होता तो मैं थोड़ी नहीं ये सब पहनती। अरे अब क्या हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाए?
जय श्री राम। ठीक है। अरे ए भोले बाबा, प्रसाद चढ़ाऊंगी। अमरी कमरिया वो डूब गई। कमिया अमरी कमिया वापस आ गई है। अरे अब मैं ठीक हूँ। अरे चाची अब ठीक है? चाची तो ठीक हो गई, लेकिन नंदू को क्या हो गया है? क्या हो गया? वो देखिए ना, लगता है इस गांव की कवार को भी शेर की हवा लग गई है। ठीक कह रही है कमिया। ए हिरोनी की अम्मा हेमा मालिनी, हेमा मालिनी बनके पूरी कोठी में घूम रही है। न माथे में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र, अब ये का सब छन 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 करके पूरी कोठी में नाचेगी। जब तक है जहां जाने जहां हम नाचेंगे। भूल गई, तेरी शादी जबरदस्ती आकाश माँ के साथ करा, मतलब आकाश से शादी करा चुके हैं। शादी हो चुकी है बिटिया, अब बोलती क्यों नहीं? गूंगी बहरी हो गई का? कान में सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोले। ए बता हमका कि तू ये लाल जोड़ा पहन के काहे घूम रही, और वो चमगादड़ दुलारी के कमरे में का कर रही थी? वहां से का करके आ रही है? हम बाहर रोज जाएंगे, बार बार जाएंगे। आज रात को कोई नहीं सोएगा। आज हमारी और बीरा की शादी है। ये नंदनी नहीं बोल रही है, ये सब उससे कोई बुलवा रहा है। पर मैं इस बात का पर्दाफाश करके रहूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। तो आपने छोटी सासू माँ को उनकी छोटी बहू की इस हरकत के बारे में बता दिया? और नहीं तो क्या कमिया, बेचारी की तो रोने वाली हालत हो गई थी। इसीलिए तो शताब्दी एक्सप्रेस पकड़कर अपनी लाडली बहू की दूसरी शादी देखने के लिए भटपट आ रही है। तुम दोनों इतना तैयार होके क्यों आए हो? अरे वो बीरा बोला हम दोनों को। क्या बोला? सुनो ऐसा है, हमारी शादी में ना तुम दोनों चमकती धमकती आनी चाहिए, नहीं तो गोलियों से भून देंगे तुम्हें। शादी वाला घर लगना चाहिए, ऐसे करके बोला वो। दरअसल ना बीरा ने ना थोड़ा लेट बोला, अगर पहले बोलता तो हम दोनों पार्लर होके आते, है ना। हाँ, मैं अपना फेशियल भी करवा लेती। हाँ देख रही हो सासू कितनी उड़ रही है ये दोनों छछूंदरियां। आइए पंडित जी, आइए आइए, पहले आप आइए। आप जो आप यहाँ पे टिक के बैठिए और शादी की सारी रस्मों की तैयारी करिए, क्योंकि हम जब बहुत उतावले हो रहे हैं, हम चाहते हैं लाके दुल्हनियों को लाते अपने आए जी। बैठिए। ए ए, तुम का लिफाफा लेके जाओगे? निकलो, चलो चलो, तुम भी है भाई, जाओ निकल लो। शाबाश भाई, कितनी सुंदर लग रही है। दुलारी, अगर आज कोई हमारी और इसकी शादी के बीच में आए ना, तो सेनाई की तुरतुरे के साथ हमारी इस बंदूक की गोलियों का भी शोर मचेगा। ए दुलारी, ऐसा कर, तू जल्दी से इनको लेके नीचे आ, वो पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं, जब तक चुटकी बाबा नहीं आ जाते ना, तब तक इसको कहीं लेके नहीं जाना। आ गया, अपनी बीवी की दूसरी शादी देखने।
कर ले तुझे जितना नाटक करना है वीरा, कुछ ही देर में मैं वो करने वाला हूँ जो तुम माँ बेटों के होश उड़ा देगा। अरे दुल्हन तू कब आएगी? दुल्हन आ गई। क्या क्या देखना पड़ रहा है? शुरू करिए पंडित जी। ओम गजानन भूत गणादि से कवित पलचार वक्षणम मा शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पागमंगजम। कौन है? इस बाबा के बारे में तो मैं जानती हूँ, ये वही बाबा है जो चुटकी बजाकर लोगों को वश में कर लेता है। अच्छा, अब समझ आया पूरा माजरा। तो इस चुटकी बाबा की मदद से दोनों माँ बेटे ने नंदिनी को वश में किया हुआ है। अरे बाबा, आप ही का तो इंतजार था। आई 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 पंडित, फेरे शुरू करो। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे चलो नंदिनी, फेरे करेंगे अब हम। नंदिनी, तुम सच में इससे शादी कर रही हो मुझे छोड़ के? हाँ, कर तो रही हमारे साथ शादी। जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में हम इससे शादी नहीं करेंगे। शादी तो तुम हमसे करोगी, आज करोगी, इसी जन्म में करोगी। तो तुम्हारे मांग में आज वीरा के नाम का सिंदूर ही होगा। समझते क्या हो तुम शादी को? तुम्हारे लिए सिर्फ मांग में सिंदूर भर देना शादी हो जाती है का? नहीं, शादी दो दिलों का मेल होता है और हमारे दिल का मिलन अंग्रेजी हीरो के साथ हो चुका है। किस्मत में इस जन्म के लिए तो क्या, अगले 7 जन्मों तक अंग्रेजी हीरो का नाम लिखा है। नंदिनी और मेरा कोई मेल नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ नंदिनी को पढ़ा लिखा के काबिल बना के यहाँ से अमेरिका जाना चाहता हूँ। समझे? क्या गहराई से समझाए तुम्हें? अरे नहीं समझे हम कुछ,
ये चुटकी बाबा क्या ये? क्या वीरा, तुझे क्या लगा है? मैं यहाँ तेरी शादी कराने आया हूँ। अरे मैं आकाश का दोस्त हूँ। क्या? विकास। तेरी इस घिनौनी हरकत के लिए आकाश और मैं पहले से तैयार थे। तुझे क्या लगा मैं यहाँ तेरे बुलाने पे आया हूँ? मुझे आकाश ने बोला था यह पंडित बन के आने के लिए। भाई नन्नी को देखकर लग रहा है कि इंडिया वापस आके तुझे सिर्फ तेरा परिवार नहीं बल्कि सच्चा प्यार भी मिल गया। नंदिनी ऐसा है, हमारी बात सुन लो। तुम तू नंदिनी को क्या समझता है? वो तेरी बातों में आ जाएगी और तुझसे शादी कर लेगी। नंदिनी गंगा जितनी पवित्र है, जितनी पवित्र। और भगवान ने ऐसी कोई स्याही नहीं बनाई जो नंदिनी के चरित्र पे दाग लगा सके। और आइंदा नंदिनी के खिलाफ साजिश करने से पहले ना अपने अंजाम के बारे में सोच लेना, क्योंकि अगली बार तेरी हर हरकत को मेरी ताकत जवाब देगी। इंस्पेक्टर साहब, बलदार पकड़ो इसे। वैसे आकाश जी धन्यवाद, हमें इस चुटकी बाबा की बहुत दिनों से तलाश थी। देखो इसने चुटकी बजा बजा के अयोध्या के बहुत सारे लोगों को लूटा है। अरे इंस्पेक्टर साहब धन्यवाद तो मैं आपका करूंगा, जो आपने इतना बड़ा कांड होने से हम दोनों मां बेटे को बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए आइंदा अगर तूने नंदिनी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे वीरा चल। थैंक्स भाई, सच में बहुत हेल्प की तूने। चल मैं भी चलता हूँ। ठीक हो तुम? नंदिनी गंगा जितनी पवित्र है, जितनी पवित्र है, और भगवान ने ऐसी कोई स्याही नहीं बनाई जो नंदिनी के चरित्र पे दाग लगा सके। अरे क्या हुआ? आज के बाद तेरी आशिकी खत्म नहीं हुई ना वीरा, मैं भूल जाएंगे कि तू मेरा लड़का है। हम इस घर में तेरी आशिकी बाजी के लिए नहीं आए, हम इस घर में अपने हिस्से की जायदाद लेने आए हैं, समझा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मारेगी क्या हमका? अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ ना वीरा, यहाँ फायर करूंगी या ठोकूंगी तुझे। ए दुलारी, ए! तू चिंता ना कर दुलारी, अपना मकसद भी पूरा होगा, आज जो हमारी बेइज्जती हुई उसका भी हिसाब हम लेंगे। अब हम दिखाएंगे इन्हें पीरा का असली रौद्र रूप। एक बार फिर हमारे परिवार में एकता न होने के कारण उस माँ बेटे के सामने हमारे परिवार को लड़खड़ाना पड़ा। ये तो भला हुआ आकाश और नंदिनी का कि सही समय पर उनका राज खोल दिया। वैसे नंदिनी हमारे पीछे तुमने घर बहुत अच्छे से संभाला। हो गया?
वैसे अगर अपने पोते और उसकी बहू का गुणगान करना खत्म हो गया हो तो कृपा करके सुमित्रा देवी जी हम सबको ये बता दीजिए कि आज कौन सी पंचायत सुनाने के लिए बुलाया है। हम पंचायत नहीं, फैसला सुनाने वाले हैं। हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि कल हम हमारे घर की आदर्श बहू नंदिनी को लक्ष्मी मानकर हम उसे घर की चाबियां और घर की जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। जैसे हमने पहले भी कहा है, घर की जो आदर्श बहू होगी उसी का पति भारद्वाज इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी बनेगा। उसका मतलब ये है कि आकाश भारद्वाज इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी बनेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.